और मैं क्या, जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी इम्पोर्टेंस हमें तब समझ में आती है जब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, और ऐसी ही चीज है टॉयलेट। सुबह फ्रेश होने के लिए और रात को यू नो रिलैक्स होने के लिए। समझ गए ना आप या नहीं समझे? नहीं समझे तो जाके पोगो देखो भाई। खैर, मैं टॉयलेट की बात कर रहा हूँ और इसकी इम्पोर्टेंस तब पता चलती है जब हम मार्केट में हो और प्रेशर ऐसा लगाओ कि बस यार, मतलब आज तो सुनामी आ जाएगी, जल्दी से टॉयलेट मिल जाए मुझे। तो ये टॉयलेट की इम्पोर्टेंस है बेसिकली। तो अब मैंने इम्पोर्टेंस आपको टॉयलेट की बता दी, लेकिन अब मैं आपको दुनिया के सबसे अजीबो गरीब बाथरूम दिखाने वाला हूँ, यानी कि टॉयलेट्स, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि भाई साहब सीरियसली? तो तैयार हो जाइए दुनिया के सबसे खतरनाक और मजेदार बाथरूम्स को देखने के लिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम बैक, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करने के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पॉपअप टॉयलेट। आपने भी कई बार ऐसा फील किया होगा कि जब भी आप मार्केट जाते होंगे या कई बार जब आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते होंगे, तो कई बार प्रेशर आने के बाद हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यूरोप में कई ऐसे देश हैं जहां पर पॉपअप टॉयलेट की शुरुआत हुई है। आपको बस इस टॉयलेट को पुश करना है और ये रोड से निकलकर ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये देखिए कैसे, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे ये टॉयलेट बाहर की तरफ आ गया। तो बस ऐसे आप इसे यूज कर सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं टॉयलेट करके, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब मैं आपको दिखाता हूँ द सेफेस्ट टॉयलेट, जो कि बनाया गया है चीन में। वैसे आपको ये जानकर हंसी भी आएगी कि इस टॉयलेट को बुलेट प्रूफ बनाया गया है। इसे ऐसे मटेरियल से बनाया गया है कि अगर ब्लास्ट भी कर दिया जाए ना तो टॉयलेट को कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आखिर टॉयलेट में कौन किसको गोली मारने आएगा जो इसे बुलेट प्रूफ बनाए। खैर, जो भी है अच्छा है। अब आता है सी थ्रू टॉयलेट। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपको बड़ा मजा आने वाला है। आपको बता दूं कि जब आप इस टॉयलेट को बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है कि ये मिरर है, लेकिन अंदर जाते हैं तो आप आराम से टॉयलेट यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसका नजारा, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ जो भी करता होगा टॉयलेट, वो अपने आप को इस मार्केट का हीरो समझता होगा कि आई एम द हीरो, यस मैंने यहाँ पे टॉयलेट कर दिखाया। क्योंकि बात ऐसी है कि वो सबको देख सकता है पर उसे कोई नहीं देख सकता। ये कमाल है यार। अब मैं आपको दिखाता हूँ $29 मिलियन का बाथरूम। इस बाथरूम का नाम है सॉलिड गोल्ड, यानी कि इसे बनाया गया है सोने से। ये बनाया गया है हांगकांग के एक होटल में जो कि सिर्फ प्रमोशन के लिए है। कई लोग आते हैं इस होटल में सिर्फ टॉयलेट को देखने के लिए। ये है स्विस नाइफ बाथरूम, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है भाई साहब। ये कमाल का टॉयलेट किसी को भी पागल कर दे कि बस एक बार मुझे यहाँ पे करने का मौका मिल जाए। सुसु, क्या आप भी यकीन कर सकते हैं कि ये 7-स्टोरेज बाथरूम है जिसमें कि हर फ्लोर पर आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। जैसे कि 5वें फ्लोर पर चिल्ड्रन बाथरूम है, तो वहीं 1st फ्लोर पर नॉर्मल टॉयलेट। साथ ही आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं जिससे कि आपको जो भी यूज करना है वो आपके पास आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा बाथरूम जिसे यूज करते समय आपको लगेगा कि आप समुंदर में हैं। ये भी कमाल का बाथरूम है वैसे, फ्लोटिंग बाथरूम नाम है इसका। और आपको बता दूं कि ये बना है अमेरिका में। हालांकि ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कैसे यहाँ पर कोई पहुँचता होगा। जैसे आप 2 रुपए में टॉयलेट यूज कर लेते हो या 5 रुपए में, लेकिन इस टॉयलेट को यूज करने के लिए आपको $500 खर्च करने पड़ेंगे। ये शौक है यार रईसों के, हम जैसे नहीं कि 2 रुपए दिए और टॉयलेट करके आगे, $500 देते हैं। ये जेम्स बॉन्ड बाथरूम, वही 007 जेम्स बॉन्ड जो कि सुपरस्टार है। लेकिन जो मैं आपको इस बाथरूम के बारे में बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपको बड़ी हंसी आएगी। जिसे भी इस वॉशरूम को यूज करना है उसे कई नेविगेशन से गुजरना होता है। इमेजिन करो कि अगर आपको लगी है जोर से और बाथरूम जाने से पहले आपको CID की तरह अलग अलग नेविगेशन के बाद बाथरूम पहुँचना हो, तो इतने में तो आपकी पैंट गीली हो जाएगी। तो इस बाथरूम में जाने के लिए थोड़ा सा समय आपको निकाल के जाना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्वेरियम बाथरूम, जिसे बनाया जापान देश में। जापान के लोगों को टेक्नोलॉजी की बड़ी कदर है और ये बात फैक्ट भी है, और यहाँ के लोग बड़े ही इनोवेटिव होते हैं। आपको बता दूं कि ये समुद्र के अंदर बना हुआ दुनिया का पहला बाथरूम है। कहा जाता है कि इस बाथरूम का यूज करते समय आप आसपास के अलग अलग कछुए और सी जानवरों का नजारा देख सकते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट रेस्ट रूम, इसे बनाया गया है चीन में। ये भी कमाल का वॉशरूम है जहाँ आपको एक साथ 100 से ज्यादा अलग अलग तरीके के बाथरूम दिखते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद आपको लगेगा कि ये टॉयलेट ही है या कुछ और। बाकी कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर शायद आपको टॉयलेट भी ना आए। अब मैं आपको बताता हूँ सेफ हाउस टॉयलेट के बारे में। जब आप इस टॉयलेट के बारे में सुनेंगे तो आपको बहुत हंसी आने वाली है।
एक्चुअली सीन ये है कि इस टॉयलेट में जो भी जाता है उसे पहले पासवर्ड दिया जाता है और आपको वो एक पासवर्ड देंगे 8 लेटर का, लेकिन सिर्फ एक बार। आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या पासवर्ड मिला था, क्योंकि अगर भूल गए तो आपको दोबारा पासवर्ड नहीं मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ अर्बन इकोलॉजी सेंटर बाथरूम। आपको लगेगा कि इसमें क्या है ऐसा, तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का एकमात्र टॉयलेट है जिसका कॉन्सेप्ट रेन वाटर के साथ शुरू हुआ। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बाथरूम में यूज होने वाला पानी रेन वाटर का पानी है। अब आप देखिए डिसअपीयरिंग बाथरूम, ये है स्पेन में। आपको बता दूं कि बाथरूम अलग अलग तरीके से मूव करता रहता है। ये ऐसा बाथरूम है जो कि किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं। हालांकि इस टॉयलेट में आप हाइड एंड सीक भी खेल सकते हैं, छुपन छुपाई, क्योंकि जैसे ही आप टॉयलेट करने के लिए रेडी होंगे पता चला कि बाथरूम डिसअपीयर हो गया। अब ये टॉयलेट है या जान लेने की जगह, ये बताना बहुत मुश्किल है। आर्कटिक आउटहाउस, ये बाथरूम अंटार्कटिका में तैयार किया गया है। ये बात तो आपको भी पता है कि इस जगह बाथरूम करना, और वो भी बाहर निकलकर, मौत के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ही इतना नीचे रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो यहाँ पर वॉशरूम बनाया गया है उसमें हमेशा ही आग जलती रहती है। और आपको ये बता दूं कि आपको आग के नीचे बैठकर बाथरूम यूज करना होता है। सोचिए जरा, नीचे आग और ऊपर आप, टॉयलेट तो करना ही है। EBB बाथरूम या एब बाथरूम, यह दुनिया का सबसे महंगा बाथरूम। इसे पहली बार बनाया गया था इटली में, लेकिन अब यूरोप के कई देशों में इसे देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इस बाथरूम का यूज करने के लिए आपके जेब में कम से कम $1,000 होने चाहिए, और साथ ही आपको यहाँ बहुत मजा मिलता है, क्योंकि इस बाथरूम के टाइल्स से लेकर सब कुछ वर्ल्ड क्लास होता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कई बड़े स्टार्स ने अपने घरों में इस तरह के बाथरूम बनाए हैं। भाई क्यों नहीं बनाएंगे, पैसा उनके पास, उनकी मर्जी। वैसे तो सभी को बियर बार में जाना, मस्ती करना बहुत पसंद है, लेकिन जो आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ वो सबसे मस्त चीज है। ये देखिए बार 89 बाथरूम। भाई जिसका भी ये कॉन्सेप्ट है वो वाकई में कमाल का है, और कमाल का इंसान भी होगा ये। आपको बार में तो रंगीन माहौल मिलता ही मिलता है, लेकिन बाथरूम में भी बार का सुख मिले ये तो पहली बार ही आप देख रहे होंगे। वो कहते हैं ना कि जो लोग कुछ नया चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनको इटली में आकर इस बार टॉयलेट को जरूर देखना चाहिए। कोलंबिया टावर। अब मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया का सबसे ऊंचा बाथरूम, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे ओ माय गॉड, बुर्ज खलीफा से भी बड़ा। नहीं, उतना बड़ा नहीं, लेकिन ये है दुनिया का सबसे ऊंचा बना हुआ टॉयलेट, जो कि 76वें फ्लोर पर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से जो भी बाथरूम करता है उसे पूरे शहर का नजारा साफ साफ दिखता है। वो बात अलग है, अगर वो दिल्ली में होता तो पोल्यूशन इतना कुछ नहीं दिख पाता, लेकिन ये कोलंबिया है तो यहाँ पॉसिबल होगा साफ साफ नजारा दिखना। कहते हैं कि इस बाथरूम का व्यू भी कमाल का है, और जो भी इंसान एक बार यहाँ बाथरूम कर ले वो हमेशा इस एक्सपीरियंस को याद रखता है। ये नहीं कि बार बार करना चाहता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो इस एक्सपीरियंस को याद रखता है। क्या आप भी इस तरह के बाथरूम में जाना प्रेफर करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। अब जरा इस टॉयलेट को भी देख लीजिए, इसे देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आप खुद ही देखिए 3D इफेक्ट दिया गया इस बाथरूम को। आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये बाथरूम नहीं बल्कि कोई कौवा हो। पहली नजर में इसे देखकर कोई भी डर जाएगा यार। कहा जाता है कि जो भी इस टॉयलेट को पहली बार यूज करता है वो बहुत घबरा जाता है, थर थर कांप जाता है। लोगों को ध्यान ही नहीं रहता कि ये 3D इफेक्ट है भाई साहब, ना कि रियल। वैसे वाकई में ये बाथरूम दिखने में बड़ा ही कमाल का लग रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि भाई अच्छा है कि मैंने कभी इस टॉयलेट का यूज नहीं किया। ये शीशे से बना हुआ टॉयलेट, जिसे देखकर आपको लग रहा होगा कि टॉयलेट सीट तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि सीधी चोटी हो जाती है। लेकिन बात कुछ और ही है। कहा जाता है कि इस बाथरूम को भी लोगों को डराने के लिए ही तैयार किया गया था, लेकिन जिसे ये पता है कि इसकी फ्लोरिंग शीशे से हुई है वो आराम से इसे यूज कर लेते हैं। लेकिन जिन्हें ये नहीं पता कि ये शीशा है या क्या, वो इस बाथरूम को यूज करने का सोचते तक नहीं। कमाल की बात है कि आजकल बाथरूम भी ऐसे बनाए जाते हैं जिससे कि इंसान डर जाए यार, डर जाए। अब इस बाथरूम को देखकर किसकी टॉयलेट निकलेगी। कहा जाता है कि यहाँ की भी कहानी वैसी ही है जैसे इससे पहले वाली की थी। लोग डरते हैं यहाँ आने से यार। ये देखिए कितना अजीबोगरीब नजारा है इस बाथरूम का। ऐसा नहीं लग रहा कि ये बाथरूम टूटा हुआ है, और जो बचा कुचा है वो भी किसी पल टूट कर नीचे गिर जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये भी एक 3D इफेक्ट है, लेकिन जिसका भी कॉन्सेप्ट है, जिसने भी ये डिजाइन किया वो कमाल का आर्टिस्ट है यार। मतलब ये ऐसा टॉयलेट अगर सुसु आ भी रही है ना तो वापस चली जाएगी कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना यहाँ पे। अब ये देखिए इस टॉयलेट का क्या कहना यार, ये भी 3D इफेक्ट ही है, लेकिन इसे देखने के बाद तो कोई भी डर जाए। कहा जाता है कि कई बार डर से आपको टॉयलेट लग भी जाती है, तो कई बार आपकी खत्म भी हो जाती है टॉयलेट। लेकिन ये इतना खतरनाक है कि इसे देखकर लगता है कि आप नीचे की तरफ ही गिर जाएंगे।
इसे देखकर आपको लगता नहीं कि ये लिफ्ट वाली गुफा है? वैसे तो इसे देखने के बाद कोई टॉयलेट करने की सोचेगा भी नहीं, लेकिन तारीफ करनी होगी इस आर्टिस्ट की जिन्होंने इसे बनाया। वाह यार वाह, वाह क्या बात है। आपने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म देखी होगी, उस फिल्म का नाम है पीकू, याद आया आपको? बार बार इस कैरेक्टर को इसमें बाथरूम आता रहता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही बाथरूम को दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपने सोचा था कि कोई अपनी गाड़ी के व्हील्स का इस्तेमाल इस तरह से कर सकता है? ये देखिए कैसे जबरदस्त तरीके से बनाया गया इस टॉयलेट सीट को यार। बस आपको अपनी गाड़ी को रोकना है, उसके बाद आपको अपनी गाड़ी के व्हील पर इस प्लेट को लगा देना है और उसके बाद बस आप काम तमाम कर सकते हैं, यानी कि टॉयलेट कर सकते हैं यार, फ्री हो सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी यार कमेंट करके जरूर बताना। वो क्या है ना, अंदर की बात बताता हूँ आपको, सुनो। आपके कमेंट से ना थोड़ी एनर्जी मिलती है, अप्रिसिएशन मिलता है, तो बस अप्रिशिएट करें कमेंट करके और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। कमाल की वीडियो धमाल मचाने आने वाली है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त अगर नहीं किया, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना। ध्यान रखो अपना और अपनों का।